वेलकम टू चाय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज 27 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न संख्या एक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने थौबल में स्थित खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। और डिटेल कुछ समझिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कमेमोरेटेड खोंगजोम डे एट खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स थौबल मणिपुर। एक्चुअली क्या है और किस प्रकार से है वो चीज़ें समझिएगा। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर आपको याद रखना है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। आई होप कि चीज़ें दोनों क्लियर होंगी। बहुत बढ़िया से कुछ डिटेल समझिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील एक अभिन्न हिस्सा है। तो प्रश्न बनता है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? प्रश्न आंसर हो जाएगा एन बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मणिपुर। और लोकतक झील कहाँ स्थित है? तो भी आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। आई होप कि सभी चीज़ें बहुत बढ़िया से क्लियर होंगी। चलते हैं प्रश्न संख्या दो की तरफ। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजय कोठारी जी। संजय कोठारी जी ने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। संजय कोठारी टुक ओथ एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब कुछ स्टैटिक में अगर बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा फरवरी 1964 में, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस बैंक का नाम बताइए जिसने सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी 1% बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर ली है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह बैंक है बंधन बैंक। क्लियर। सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट हैज रेज इट्स स्टेक इन बंधन बैंक बाय 1.1% फ्रॉम 3.39% टू 4.49%। ये 1.0% है, इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। डू नॉट वरी, आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। आई होप ये अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब कुछ स्टैटिक में बात करते हैं, तो स्टैटिक में क्या है वो आप समझिएगा। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंधन बैंक के MD और CEO अगर पूछे जाते हैं तो चंद्रशेखर घोष जी हैं, और बंधन बैंक की जो टैग लाइन है वो आपा भला सबकी भलाई, आपा भला सबकी भलाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हर साल दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब क्या हुआ, वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 25 अप्रैल एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल ग्लोबली टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। क्लियर। बाकी कुछ स्टेटिंग में, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और WHO के महानिदेशक जो है वो टेड्रोस एडहानम है। आई होप कि प्रत्येक चीज बढ़िया से आप सीख और समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम नासा के नाम से कॉल करते हैं, ने COVID-19 मरीजों का इलाज करने के लिए वीटल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। अब वीटल का जो नाम है वो क्या है, पूर्ण नेम पूछा जा रहा है, सुनिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, इसे समझिएगा एक बार। वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसोसिएबल लोकली, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज डेवलप्ड अ हाई प्रेशर वेंटिलेटर कॉल्ड वीटॉल, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसोसिएबल लोकली टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट।
अब कुछ स्टैटिक का पार्ट समझिएगा और किस प्रकार से है, दो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ये तो इसका नाम आप याद रखेंगे। बाकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रशासक है वो जिम ब्रेडन स्टाइन है। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं और प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो आई गारंटी कि आप प्रत्येक एग्जाम से करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हर साल संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 25 अप्रैल एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डेलीगेट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स टू द यूनाइटेड नेशन। अब कुछ स्टैटिक में बात करें तो समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। नेक्स्ट, हाल ही में CISF द्वारा लॉन्च किए गए ई ऑफिस एप्लीकेशन का नाम बताएं, जो कई व्यक्तियों द्वारा फाइलों को बार बार छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाता है। ई ऑफिस एप्लीकेशन, आई होप कि ये चीज़ बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ई कार्यालय, ई कार्यालय। देखिए, एक कर्मचारी ने किसी फाइल को पकड़ा, किसी अधिकारी को दे के आया, फिर दूसरे ने पकड़ा फिर दे के आया, तो उसे छूने का मतलब समस्या हो सकती है। इसलिए क्या हुआ कि ई कार्यालय एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया है जिसके माध्यम से फाइल एक जगह से दूसरी जगह आदमी देखेगा और उसे यूज़ करेगा, आगे बढ़ जाएगा। क्लियर, छूने का कोई मैटर नहीं रहा। CISF हैज लॉन्च्ड एन ई ऑफिस एप्लीकेशन नेम्ड ई कार्यालय टू एनेबल द मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ CISF विदाउट एनी फिजिकल टच इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन ड्यू टू फ्रिक्वेंट टचिंग ऑफ फाइल्स बाय मैनी पर्सन्स। क्लियर, अब स्टैटिक में देखेंगे। CISF के महानिदेशक राकेश रंजन जी हैं। स्थापना 1969 में हुआ था और ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो CISF के द्वारा किया गया है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर डैश कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिल सकेगी। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिचार्ज साथी। वोडाफोन आइडिया हैज पार्टनर विद पेटीएम टू लॉन्च द रिचार्ज साथी प्रोग्राम टू हेल्प इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस टू अर्न एडिशनल इनकम। अब पेटीएम की बात आती है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO सतीश कुमार गुप्ता जी हैं और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश और इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में। हाल ही में उस देश का नाम बताइए जिसने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ईरान। ईरान है सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री सेटेलाइट नेम नूर इन टू द ऑर्बिट। अब स्टेटिंग में बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान में है और ईरान में जो मुद्रा चलती है वो रियाल है और ईरान के राष्ट्रपति जो है वो हसन रूहानी जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हर साल दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या था? तो प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 इज जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। अब WHO का मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम। ये था आज यानी कि 27 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के जस्ट नीचे थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का कमेंट बॉक्स में यदि अगर आप आंसर देते हैं तो स्टार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस दिया जाता है 100 पर स्टूडेंट, यानी कि 300 रुपीज़ का पर डे प्राइस है।
उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चंस का आपको आंसर डिटेल में देना है। अगर आप उसके लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का प्राइज मिला जाएगा, दिया जाएगा। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होगी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देखते हैं तो आपने पढ़ी और सुनी होंगी, और नहीं देखी है वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और अगर अभी तक जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।